Hello students, today we shall study yet another poem written by W.B. Yeats. इनके द्वारा जो लिखी गई poem है उसका नाम है The Lake Isles of Innisfree. ये जो poem लिखा गया था ये करीबन 1890 में लंदन में लिखा गया था जब वे अपने आप को होमसिक महसूस कर रहे थे. इनिसफ्री है क्या? इनिसफ्री जिसका अर्थ होता है हिदर आइलैंड इन गैलिक. इट इज एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड ऑफ इंटेंस नेचुरल ब्यूटी. बहुत ही सुंदर जगह है जो कि आयरलैंड में है. इट इज लोकेटेड इन काउंटी स्लिगो which is where its mother's family came from and which he identified as the part of Ireland and the world closest to his heart. इस जगह को अब बहुत दिल से लगा के रखे थे. In the idea of building a home there and living as a hermit, इनके दिमाग में जो एक आइडिया आता है कि इनिसफ्री में एक छोटा सा घर बनाएंगे और एक सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करेंगे. इस पोयम का जो मुख्य बिंदु है पहला, इट्स एक्सप्रेसेस इस डिज़ायर टू बिल्ड ए स्मॉल केबिन एट इनिसफ्री आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल एंड लिव अलोन. इनका एक सपना है कि इनिसफ्री में एक छोटा सा घर बनाए, बहुत नेचुरल मटेरियल से बना रहे और वहाँ पर उनके अलावा कोई दूसरा ना हो. दूसरा पॉइंट, ही विल फाइंड पीस ऑन द लेक वेर इट ड्रॉप्स फ्रॉम द मॉर्निंग एंड द ब्यूटीफुल मिडनाइट. एक शांति वातावरण महसूस करना चाहते हैं जो कि रात्रि प्रहर में और सुबह के प्रहर में उनको मिलता है. और तीसरा, ही डिटरमाइंस टू लिव इमीडिएटली बिकॉज इवन व्हेन ही स्टैंड्स इन अ रोड और ऑन अ सिटी पेवमेंट ही हियर्स द लैपिंग ऑफ द लेक वाटर्स इन हिज हार्ट. वो तुरंत जितना जल्दी हो सके वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं क्योंकि अगर वो शहर में भी है तो वहाँ पर इनिसफ्री यानी कि जो लेक है उसका लैपिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी की जो लहरें हैं उनको अपने दिल में सुनाई देता है. हालांकि ये वहाँ गए नहीं, बस इमेजिन कर रहे हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाए. इस तरह से हम लोग इस पोयम के मुख्य बिंदुओं को डिस्कस किया. अब हम शुरुआत करेंगे पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. तो पहले लाइन में हम क्या देखते हैं? The speaker states that he is going to Innisfree. पहले लाइन में बताता है कि वो इनिसफ्री जा रहे हैं. इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड जैसा कि मैंने पहले बात कर दिया, कॉल्ड लॉफ गिल इन आयरलैंड. दिस स्पीकर साउंड्स प्रेटी रिजॉल्व. वो अपने आप को रिजॉल्व महसूस करता है कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. जितना जल्दी हो सके वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. Second line, and a small cabin built there of clay and wattles made. दूसरा लाइन में क्या कहते हैं कि वो small clay, एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं जो कि वो wattles यानी कि दीवारों से या बाड़ों से घिरा होना चाहिए. What is wattles? Wattles are rods and stakes mixed with sticks and branches to make walls or fences. वो जैसे हम लोग चार दीवारी बनाते हैं, रॉड वगैरह नहीं मिलता तो कम से कम लकड़ी या बांस से हम लोग बांध करके अपने घर के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं ताकि
कोई जानवर उसके अंदर नहीं आ सके. सो ही इज गोइंग टू बिल्ड स्मॉल केबिन एंड इट इज गोइंग टू बी प्रेटी सिंपल एंड रस्टिक. एकदम देहाती का जीवन, सिंपल साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं. राइट अवे वी कैन टेल दिस इज नॉट आवर टिपिकल ड्रीम वोकेशन, फैंटेसी पैलेस. अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक लंबी छुट्टी पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा हम लोग का सोच होता है कि काश कोई बड़ा सा बिल्डिंग मिलता, कोई फ्लैट मिलता, फार्म हाउस मिलता जहाँ पर स्विमिंग पूल हो, सारे सुख सुविधा हो, लेकिन इनका कहना वैसा नहीं है. ही इज नॉट बिल्डिंग सम विलास विथ एन इन्फिनिटी पूल. वो कोई बड़ा सा महल बनाने नहीं जा रहे हैं जिसमें नहाने के लिए स्विमिंग पूल हो, नहीं वैसा नहीं. ये एक साधारण सा एक घर बनाना चाहते हैं जिसमें इनका जीवन सुखमय हो. तीसरा लाइन, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. 9 bees. He says he is going to have a small bean garden and a bee hive for honey bees. This guy sounds like he is serious need of retirement. वो करना क्या चाहते हैं? वह चाहते एक छोटा सा बीन का बगीचा हो जिसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा है. लगता है वो अपने जीवन से सब चीज त्याग करके एक सन्यासी वाला जीवन जीने की उम्मीद लगा करके वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. और अंतिम लाइन, चौथा लाइन, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. रहना भी चाहते हैं तो अकेले. ग्लेड, एक वर्ड आया है ग्लेड. ग्लेड इज एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट. ग्लेड क्या है? एक ओपन स्पेस. जंगल चारों तरफ से घिरे हुए हुए हैं, लेकिन एक जंगल के बीच में एक ओपन स्पेस मिलता है, उसको हम लोग ग्लेड कहते हैं. सो यू कैन प्रोबेबली पिक्चर द बी ग्लेड एज अ क्लियरिंग वुड सराउंडिंग बाय. और उस ग्लेड में वो चाहते हैं कि एक छोटा सा घर बने और उसके चारों तरफ बगीचा हो, उसमें हनी भी होना चाहिए, मधुमक्खियों के छत्ता लगना चाहिए. तो इस तरह से ये चार लाइन में वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपना प्लान दिखाते हैं. दिस लाइन्स, दिस अबव फोर लाइन्स क्रिएट अ रिदम स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. व्हेन यू कैन कंबाइन देम, जब ये चारों लाइन को देखा जाए विद द फर्स्ट टू लाइन्स, तो हमको पता चलेगा जो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी है. यानी कि पहला और तीसरा लाइन मिल रहा है, दूसरा और चौथा लाइन मैच करता है. तो इस तरह से एक रिदम भी ये बनाए हुए हैं. पांचवी लाइन में, यानी कि नेक्स्ट संजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट स्विंग्स. देयर मिड नाइट्स is all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnet wings. तो पांचवें लाइन में हम क्या देखते हैं? अब यहां पर इनका जाने का मकसद, why he wants to leave this hectic life and go to Innisfree, here is the motivational point. What he wants? He wants to go so that he can find peace. इसका पहला मकसद क्या है? शांति का अनुभव करना. द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइन, पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो. इट इज इंटरेस्टिंग, कैसे आता? स्लोली, धीरे धीरे. सो फार इट लुक्स लाइक द स्पीकर इक्वेट्स अ स्लो सिंपल पेस ऑफ लाइफ विथ पीसफुलनेस. शांति वाला जीवन, धीरे धीरे वाला जीवन, भागम भाग का जीवन समाप्त करना चाहते हैं. बट वाई इज पीस ड्रॉपिंग? वट इज दैट ऑल अबाउट? अगर सच में स्पीकर यानी कि पोएट यहाँ सीरियस है कि उनके जीवन में कुछ शांति का अनुभव है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि
he is not feeling too peaceful where he is now. Maybe ye apne aap ko trap mehsoos kar rahe hain. Maybe ye restless mehsoos kar rahe hain. A life which is too busy. Chahe jo bhi ho, he thinks that Innisfree is his ticket of happiness. A break from all the hubbub. Ek bhagam bhag, ek chahal pahal ki duniya se unko aajadi chahiye. To is tarah se, paanchwe line mein, unka Innisfree jane ka motivation humko pata chal raha hai. Chhata line, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. तो इस तरह से हमको पता चल रहा है जैसे पांचवें लाइन में बोला गया है कि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. हियर वी आर गेटिंग अ हिंट, एक क्लू हमको पता चल रहा है. व्हाट इज दैट? व्हाट आर दिस वेल्स ऑफ द मॉर्निंग? ये वेल्स ऑफ मॉर्निंग क्या है? शायद एक मेटाफर का प्रयोग करते हुए जो कि फॉग के लिए प्रयोग किया जाता है. जिस तरह से सुबह सुबह फॉग लग जाता है तो कुछ नहीं दिखता है, जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया है, उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है. और द मिस्ट, दिस इज वाटरी प्लेस, आफ्टर ऑल आयरलैंड है, वहां पर थोड़ी नमी ज्यादा है. और मे बी इवन द ड्यू ऑन द मॉर्निंग ग्रास. This could all seem like veils that are lifted once the sun rises. Ek bar suraj ugega, sare kohre, sara mist, sara dew samapt ho jayega. And what about to where the cricket sing? Ek alag phrase prayog kiya gaya hai jo ki cricket sing ke baat kar raha hai, ek chingur ka. If we trace this a few lines back, it is saying peace falls slowly from the veils of morning and spreads to where the cricket sings. शुरुआती होती है कहाँ से? सुबह से. और जाता है कहाँ? To the cricket sing. Where is that? मैंने कहाँ तक? तो इसमें कोई hidden nooks जो जंगल है. Among the grass, among the flowers, so far. Peace equals nature in the serious way. तो हमको शांति कहाँ से मिलेगा? ये हमें नेचुरल ब्यूटी से मिलता है. इट ऑल्सो सीम्स लाइक पीस इज नॉट समथिंग ही कैन क्रिएट और हैव कंट्रोल ओवर इट. वो ऐसा नहीं होता कि अपने से ये शांति क्रिएट कर सकते हैं और उस पर ये अपना कंट्रोल बना सकते हैं. सो ही इज टू गो वेयर द पीस इज एंड दैट्स Innisfree. अगले लाइन में, देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग. देयर रेफर्स टू Innisfree एंड दिस केबिन दिस ही इमेजिन्स और प्लान्स टू बिल्ड. अपरेंटली इन Innisfree मिड नाइट इज शिमरिंग and beautiful, and midday is a purple glow. This is starting to sound a little fairy tale gorgeous. There, यहाँ पर Innisfree के लिए प्रयोग किया जा रहा है और this का अर्थ होता है जो cabin यानी कि जो वो घर बनाने की जो बात की है, जो plan किया गया है उसके लिए है. Innisfree का जो आधी रात है बहुत ही सुंदर है और दोपहर एक बैंगनी रंग में चमचमाती है. ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई एक परियों की कथा के समान महसूस होता है जो बहुत ही सुंदर दिखता है. एंड इन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, यानी कि शाम को, अ लिनेट इज अ काइंड ऑफ बर्ड दैट इज लाइक अ फिंच. इनट एक छोटी सी चिड़िया के समान है. इन अदर वर्ड्स, इट्स अ प्रेटी स्मॉल. सेइंग दैट द इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट विंग्स मेक्स अस थिंक नॉट ओनली ऑफ वन बर्ड बट ऑल्सो ऑफ ऑल
of them in the flight, यानी कि range, यानी कि line में, एक समूह में, झुंड में, ये सब चिड़िया, linnet birds जो है, एक साथ आती है. Now that's an image. एक imaginary का प्रयोग किया जा रहा है. The imagery is getting almost dream-like. Purple, hazy, full of birds in the flight. तो यहाँ पर एक imagination, एक imagery picture हमारे दिमाग में आता है, जिसमें purple color हो, hazy जगह हो, full of birds in the flight, सब उड़ रहे हैं. एक अत्यंत ही सुंदर वातावरण देखने को महसूस होता है. In the next line, line on 10, I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. Yani ki, in a way, it's almost as if he snaps out of his daydream with fresh resolve and determination. Ye apne kalpana ko bhool karke एक डिटर्मिनेशन, एक वास्तविकता में जीने की कोशिश कर रहा है. आई विल अराइज एंड गो नाउ, क्योंकि ये तुरंत जाना चाहता है, एज सून एज पॉसिबल. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर. द डे ड्रीम ही वॉज डिस्क्राइबिंग, द प्लान ही हैज टू बिल्ड हिज केबिन वॉज सो रियल, वॉज सो ऑलमोस्ट एज इफ ही वर ऑलरेडी देयर. But he is not. Still, whatever he is, he can hear the lapping of the water on Innisfree, in his mind or something. तो ये महसूस करते हैं वहाँ के लेक वाटर को लैपिंग करते हैं लहरों में बहते हुए उन्हें सुनाई पड़ता है. Still, whatever he is, he can hear the lapping of the water on Innisfree in his mind or something. We should think of his auditory image as a metaphor for his strong desire to head to Innisfree as soon as possible. जितना जल्दी हो सके वो वहाँ जाना चाहते हैं. इस तरह से 9th एंड 10th लाइन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो यथाशीघ्र Innisfree को जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या चाहत उन्हें खींच रहा है. और सेकंड लास्ट लाइन में, व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज और ऑन द पेमेंट ग्रे, द फैक्ट दैट ही कैन हियर द वाटर ऑफ Innisfree व्हाइल ही इज स्टैंडिंग ऑन कोल्ड हार्ड पेमेंट इज द टेस्टमेंट टू जस्ट हाउ मच ही लव्स दैट प्लेस. एक सबूत के तौर पर है कि जब ये एक रोड पर हैं, सड़क पर हैं, कहीं पर भी हो, उस Innisfree का वाटर लैपिंग उनके हृदय में सुनाई देता है. प्लस चेक आउट द स्नीकी लिटिल इंटरनल राइमिंग देयर, रोडवेज रिदम विथ ग्रे. बट दे डोंट बोथ कम एट द एंड ऑफ द लाइन, जैसा कि होता है राइम्स हम लोग प्रायः पोयम के अंतिम वर्ड को मिलाया जाता है, लेकिन एक ही लाइन को दो भाग में बांट कर देखा जाए तो दोनों का राइमिंग जो है मैच करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनल राइम. तो राइमिंग स्कीम को भी ये अपना एक वेपन बना करके अपने पोयम को अत्यंत पावरफुल बनाना चाहते हैं. अंतिम लाइन, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, द लैपिंग वाटर The speaker hears is imagery. While we suspect that Innisfree is at this point mostly a figment of his imagination, his reference to deep heart core shows us how important Innisfree is to him. And of course, the heart can't actually hear. So we might think of the deep heart core as a metaphor for the part of the speaker that feels and dreams deeply. The end of this poem is pretty sad. Sad इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो वहाँ अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर एक लगन है कि वहाँ पहुँचे और वो अपना काम करें. When we find out
when we find out he is standing in a place so completely different from his dream. इसलिए sad है क्योंकि जाना उस जगह चाहते हैं जहां पर उनकी इच्छा है परंतु फिलहाल इस वक्त वो वहां पर है नहीं. Therefore, it is called sad when we find out he is standing in a place so completely different from his dream instead of getting the sense that he is close to reaching Innisfree. The poem ends with a picture of him standing on a paved road, pinning over a place he might never get to. इस तरह से हम देखते हैं कि पोएट को Innisfree के प्रति लगाव बहुत जोर का है. Thank you very much. Keep on sharing.